एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि मैं मार्बल नेल आर्ट किस तरह से करती हूँ और मार्बल नेल आर्ट की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके साथ ही मैं एक क्लिप लगा दूंगी जिसमें मैंने मार्बल नेल आर्ट करके दिखाया है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फिंगर के ऊपर ना अच्छे से वैसलीन को रब कर लेना है। वैसलीन को अच्छे से रब करने के बाद आपको क्या करना है, एक डिस्पोजल कप लेना है और उसमें आपको फिल्टर वाटर डाल देना है, ठीक है? पूरा फुल कप मत कीजिएगा, थोड़ा सा उससे कम पानी रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको नेल पेंट्स लेनी है, ठीक है? मेरे पास इतनी अच्छी क्वालिटी की नेल पेंट्स नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया मैं मार्केट नहीं गई, जिस कारण मैंने ना नई नेल पेंट्स नहीं ली हैं। बट आप ये ट्राई करना कि आप न्यू नेल पेंट्स होती हैं वो ही लें, ताकि आपका जो मार्बल नेल आर्ट है वो अच्छे से हो सके, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से ड्रॉप्स डालनी है। मैंने ना थोड़ी ड्रॉप्स ही डाली हैं, क्योंकि बाद में ये अच्छे से डिज़ाइन बन जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा नेल पेंट वेस्ट नहीं की। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अगर आप चाहो तो बहुत सारी नेल पेंट्स भी इसमें डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, टूथपिक ले लेना है, या आप क्या कर सकते हो, सेफ्टी पिन भी ले सकते हो, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, सेफ्टी पिन लिया है और उसे अच्छे से धीरे धीरे से इस तरह से घुमा दिया है। थोड़ा सा, मतलब इस वीडियो में आपको थोड़ा स्लो दिख रहा होगा, बट मैंने इससे भी ज़्यादा स्लो किया है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो की लेंथ है ना वो कम करने के लिए इसको मुझे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा इसलिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक आप फ़ैन ऑफ रखना, फिर उसके बाद ना आपको जल्दी से ना अपना जो थंब है ना उसके ऊपर पहले ही बेस कोट लगानी है, ठीक है? मैं बीच में डालना भूल गई, तो सॉरी। तो आपको क्या करना है, बेस कोट पहले अपनी नेल के ऊपर लगा लेना, उसके बाद आपको साथ के साथ ये डिज़ाइन अपने नेल के ऊपर लगा लेना है, इस तरह जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। आपका मार्बल नेल आर्ट ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली रेडी हो जाएगा। और उसके बाद ना मैंने सोचा ये वेस्ट पड़ी रहेगी, तो क्यों ना मैं दूसरी फिंगर्स पे भी ये वाला नेल आर्ट कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, दूसरी नेल्स के ऊपर भी बेस कोट लगा दी, और उसके बाद मैंने साथ के साथ इस डिज़ाइन को अपने नेल्स के ऊपर क्रिएट कर दिया। अगर आपको ये नेल आर्ट अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारे से कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के बारे में मैंने जो भी गलती की है बीच में, आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो, और थोड़ी सी मोटिवेशन भी देना ताकि मैं और यूट्यूब पे अपना वर्क कर सकूँ, ठीक है? और इसी तरह की वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।